वेलकम स्टूडेंट फॉर आर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ब्राइट एकेडमी पब्लिक स्कूल. टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस ऑफ क्लास थर्ड. द फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देयर इज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सम ऑफ देम आर नेचुरल थिंग्स while others are man-made things. In the previous class, I told you about what are the natural things and what are the man-made things, okay? जो nature के द्वारा create होती हैं उन्हें हम natural things कहते हैं, जिन्हें man create करते हैं उन्हें हम man-made things कहते हैं. तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो either natural things or either man-made things. Natural things are either living or non-living. अब natural things जो होती हैं वो भी living or non-living things होती हैं. So, we come to the point. That all things are divided into two main groups. सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ दो main groups में divided होती हैं. First is living thing and second is non-living thing. Okay? Non-living thing के बारे में हम बाद में discuss करेंगे. But what is the main topic? Our main topic is living things. So we will study about the living things. Living things are alive. As we know that what is the meaning of alive? Alive means zinda. जो चीज़ें जिंदा होती हैं उन्हें हम अलाइव कहते हैं. तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो जिंदा होती हैं. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग यानी हम इंसान, एनिमल्स यानी जानवर, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, दीज आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. वी कैन रिकोगनाइज दैम एज लिविंग बिकॉज दे आर एबल टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, हम इन्हें लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं हम इसके बारे में जानेंगे. तो फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी विल स्टडी. सो द फर्स्ट फीचर इज मूवमेंट. ओके, माय फर्स्ट फीचर इज मूवमेंट. तो इसके टॉप पे पॉइंट्स हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव करती है विद देयर ओन, यानी अपने पैरों की हेल्प से वो मूव करती है. और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन. ओके, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ लोकोमोशन? LOCOMOTION, लोकोमोशन. एनिमल्स मूव ऑन लैंड, एयर एंड वाटर. और जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड, एयर एंड वाटर पे मूव करते हैं. बट ह्यूमन बींग्स इसमें मूव करते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ देयर फीट. ये आपका आज का टॉपिक था विच यू हैव टू स्टडी एंड लर्न एंड रिवाइज. ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अनदर मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स. टिल देन रिवाइज दिस, स्टे होम, स्टे सो स्टेस. बाय बाय चिल्ड्रंस.